वैसा गाइज आई होप यू आर वेल, ये वीर वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यार कसम से ना, ये जो मैसेज आप लोगों के द्वारा किया गया कमेंट बॉक्स में, इसने दिल छू लिया, क्योंकि ये जो चीजें हैं मुझे मेरी मम्मी के साथ में कनेक्ट कर गई, तो मैं एकदम वो चीजें समझ पा रहा हूँ जो यहाँ पर इसके अंदर बातें लिखी गई हैं। इनके द्वारा बोला गया कि सर 5 से 6 बजे तक का दूध निकालने का टाइम होता है और उस टाइम पर वीडियो आती है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा पहले ही कर दीजिए, उस टाइम तक अपना वीडियो निपट जाती है। और कई सारी ऐसी देखिए जो लड़कियां होती है, खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह से ही घर का काम वगैरह रहता है, सुबह को उठते से सब उठ जाते हैं तो फिर काम धंधा स्टार्ट हो जाता है। तो ये उनके लिए कम से कम जिनको 5 बजे के बाद में कुछ ना कुछ काम स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी टाइम वीडियो दे लो, वो अपना देख लेंगे आराम से, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनकी जिंदगी फ्लो में चल रही है। पर लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खासकर एक बच्चा कई दिनों से मुझे कमेंट कर रहा है कि सर जब 4 बजे आ रही थी तो मेरा शेड्यूल प्रॉपर वे में चल रहा था, मुझे ऑफिस वगैरह भी जाना होता है तो सुबह सुबह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाता था, तो मैं इस वीडियो को फिर से 4 बजे कर रहा हूं और अब ये 4 बजे ही रहने वाली है। ठीक है, तो जिसको उठना होगा वो उठेगा, जिसको नहीं उठना है उसके साथ में कुछ कर नहीं सकते। मैं उनके साथ में हूं जो अपने आप को सीरियस तरीके से लेके चल रहे हैं, जो सीरियस नहीं है नॉन सीरियस है। यार देखो उनको तो आके वो नहीं बोलते कि भगवान भी उनको कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं तो होता कौन हूं। तो कम से कम जो कुछ करना चाहते हैं उनके साथ में मैं मिलकर कुछ कर पाऊं, तो ये बस मेरी एक छोटी सी एक सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो भी आप लोगों को लगे, तो ये मैं जरूर करूंगा कम से कम जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी जो है वो सुबह को 4 से 4:30 बजे के बीच में उठ जाती हैं और फिर उनको भी दूध वगैरह निकालना होता है। तो ये सारी चीजें देखिए वो समझ पाएगा जो रियलिटी में ये चीजें जिसने कभी देखी है, आज की डेट में भी उनका वही रूटीन है, उसी रूटीन को फॉलो करती है। तो इसलिए मुझे लगा कि 5 बजे जो देखने हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, तो 5 बजे उठ रहे हैं, कुछ करने वाला उनका कुछ है नहीं है, वो 5 बजे उठ रहे हैं जिनको उठना है। पर जो 4 बजे उठ रहे हैं कम से कम उनको सही रहेगा, 5 बजे वाले तो जब देखेंगे अपना देखते रहेंगे, पर जो 4 से 5 के बीच में वो आराम से इसको देख पाएंगे वीडियो को। ठीक है, तो कम से कम उनके लिए ये 4 बजे अब मैं इसको करने जा रहा हूं और अब ये 4 बजे ही रहेगी। ठीक है, ये यहां से नहीं हिलेगी, अगर मैं ही हिल गया तो कोई अलग बात है, पर वरना ये यहां से नहीं हिलने वाली है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। देखिए आपकी जो उम्र है ना वो आपको मैच्योर नहीं बनाती कभी भी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं उम्र इतनी ज्यादा हो गई है पर लेकिन उनको बोलने की तक की तमीज नहीं है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या बोल के चले गए, ये कैसे कर दिया, मतलब कुछ नहीं पता, बस उम्र बढ़ गई है। ठीक है, अब नीचे कुछ कमेंट मत करने लगा किसी के बारे में। ठीक है, बल्कि जिम्मेदारी जो है आप लोगों की, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप लोगों को मैच्योर बनाती है। आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात सुनी होगी, अच्छी क्या मतलब बुरी बोलूंगा मैं उसको, ये एक तरीके से बुरी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जब कहीं पर आप लोग जाते हैं किसी ढाबे पर, तो वहां पर बड़े अच्छे तरीके से हम लोग बोलते हैं वो छोटू इधर आना, ये उठा के लेकर आना। जिसको आप लोग छोटू बोलते हैं ना, वो किसी घर का बड़ा बेटा होता है, अपने घर को चला रहा होता है, जैसे तैसे अपने घर के लिए काम कर रहा होता है। मैक्सिमम मैंने कई बार इस तरीके की एक्टिविटी देखी है जहां पर कोई बच्चा काम कर रहा होता है, तो मैंने कई बार उससे बात की, हालांकि ओनर को भी बोला, मैंने कहा यार ये गलत चीज है, पर लेकिन जब भी उस बंदे से बात की तो तुरंत वहां पर वो कंडीशन देखने को मिली कि वो जिसको छोटू बोला जाता है वो घर का बड़ा बेटा होता है। तो ये समझ सकते हैं कि आप लोग वो कितनी जल्दी मैच्योर हो चुका है, अपने घर के एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर जो भी बने वो वहां पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। पर ये सारी चीजें गलत है, जहां भी आप लोगों को दिखे तो ये सारी चीजें कोशिश करो कि इन सब चीजों को सपोर्ट न करो। तो मैंने भी कईयों से बात की, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने कभी आप लोगों से शेयर नहीं किए, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज के डेट में स्कूल में पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत जितना मुझसे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उनकी फीस वगैरह थोड़ा बहुत, मतलब जितना मेरे से बन पाता है उनकी फीस वगैरह मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो हैं जो मुझे अच्छा लगता है। देखिए बताना सारी चीजें नहीं होती है कि सब चीजें बताते रहूँ कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आप लोग भी जब किसी काम को करते हैं तो आप लोग भी कीजिए, ये गाने की जरूरत नहीं है किसी के सामने। हाँ अगर आप लोगों को लगता है कि किसी को आप लोगों को बताने से एक दो बंदा और कर सकता है उनको जरूर बता दो, ठीक है, ताकि और इस तरीके की चीजें हो सके। पर हाँ सबके सामने नहीं गानी है वरना लोग बोलते हैं दिखावा कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपने तक ही चीजें रखो, बस अपने जो मन से आप लोगों को जो भी दिखे आप लोग वो करते रहो। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीजें हैं, आप लोग इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो काफी अच्छा एक डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, 9 क्वेश्चन है, पर कहने के लिए 9 है पर लेकिन वैसे 10-11 क्वेश्चन के करीब है यहां पर, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी बोला गया है, देखिए ये इंसान ना जाते जाते भी बाज नहीं आ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी यहां पर बोला गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री जो है बड़ी बदतमीजी कर रही है, उसको टैकल करने के लिए वो साथ देंगे इंडिया का, लाइक माइंडेड कंट्री साथ में आएंगे।
तो क्वाड ग्रुप का बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया आप लोगों से, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप लोग प्रॉपर वे में बिना किसी दिन छोड़े क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो यार देखो मैंने आप लोगों को पेपर भी एनालिसिस करके दिखाए, तो इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन इवन आंसर राइटिंग में भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो आप लोगों ने सुना ना हो। बस आप लोग थोड़ा सा धीरज बनाकर रिविजन करते रहिए, ये सारी चीजें आप लोगों के फिर हाथों में आ जाएंगी बिल्कुल अच्छे से। बात करें यहां पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये डीएसटी के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो डीएसटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर आती है। आखिर क्यों न्यूज में, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। यहां पर बात की जा रही है एक पिस्टल के बारे में, ये जो पिस्टल है 9mm जो मशीन पिस्टल है, ये काफी देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था, आप लोगों को पिक्चर भी मैं इसकी दिखाऊंगा। ये अभी यहां पर डेवलप किया गया है हमारी कंट्री में, ये इन्फेंट्री स्कूल, तो कहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा यहां पर डीआरडीओ जो आर्मामेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको पता नहीं क्या फंसे गए एकदम गले में एक सेकेंड वन सेकेंड तो यहां पर जो बात की जा रही है ARDE, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है यहां पर ये, तो ये क्या है, ठीक है, मतलब क्या नहीं, मतलब कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। पिस्टल का नाम बड़ा ही प्यारा है, आप लोगों को बताऊंगा, इसका मतलब प्राइड होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है और हार्डवर्क होता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे ये यहां पर टर्म है इसके लिए, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने कहा इसको तो क्वेश्चन की तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो पिस्टल का नाम आप लोगों को क्वेश्चन में जानने को मिलेगा, क्वेश्चन है आप लोगों को आंसर देना है, फिर आप लोगों को ये वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। इंडिया की जो रैंक है आप लोगों को बतानी है, अभी रिसेंटली एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है तो ये बतानी है, और ये इंडेक्स का पूरा नाम आप लोग बताइए। एक ऐसी कंट्री है, ये काफी प्यारी, ये काफी मतलब पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें 191 डेस्टिनेशन पर अगर आप लोगों के पास में इस कंट्री का पासपोर्ट है तो आप लोगों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पावरफुल ये देखा जाता है किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, इसका मतलब ये है कि बिना वीजा के आप लोग उस किसी भी कंट्री में आप लोग चले जाएं, मतलब जिनके साथ में आप लोग अच्छे रिलेशन है तो वहां पर आप लोगों को वीजा की जरूरत ना पड़े, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है जो यहां पर बात करता है क्लीन एनवायरमेंट के बारे में, पॉल्यूशन फ्री वाटर के बारे में, तो ये सारी चीजें अगर आप लोग बात करें, राइट टू लाइफ नॉर्मली आप लोग वर्ड यूज कर लेते हैं, तो कौन सा आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट के अंदर, तो ये आप लोगों को बताना है। ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी स्टेट पीसीएस के अंदर भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट आप लोगों से, और आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है थर्ड फेज प्रधानमंत्री PKVY3, ठीक है। तो ये जैसे रोबोट 2 थी ना रजनीकांत की, ये 3 आ गई यहां पर, तो आप लोगों को इसका नाम बताना है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये प्रोग्राम। अगर मैं इसका नाम लिख देता तो आप लोग मिनिस्ट्री बता देते और प्रोग्राम भी बता देते, इसलिए मैंने नाम जानबूझकर नहीं लिखा है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और आप लोगों से पूछते हैं क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में, तो एम क्या है यहां पर, इसका एम है कि 3 मिलियन के करीब जो लोग हैं उनको ट्रेन करना है, ठीक है। कब तक करना है ये आप लोगों को बताना है यहां पर। 1 मिलियन में क्या होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं यहां पर 10 लाख, तो अगर आप लोग इनको लाख में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर 1 0 और लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा सीधा कि 3 करोड़ वो 30 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, डाउट नहीं रखना है, जहां पे भी डाउट होते हैं ना वहां पे रोक कर थोड़ी देर लगती है, उसको क्लियर कर लो और आगे बढ़ो, वरना दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज है, यहां पर बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जाते जाते चाइना का जो है बिल्कुल वो नहीं कहते बिल्कुल कसकर जाना चाहते हैं, तो यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की जा रही है। इंडो पैसिफिक जो वर्ड यूज किया था ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है चाइना को इस वर्ड से कि यहां पर इंडो के यूज किया था, वो बोलता है कि इंडो मत यूज करो, यहां पर एशिया यूज करो, एशिया यूज करो, क्योंकि इंडो का मतलब होता है बस इंडिया के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर यहां पर इंडो यूज करते हैं। अब जाते जाते इसके द्वारा बोला गया है कि लाइक माइंडेड कंट्री इंडिया के साथ में हो ताकि चाइना को टैकल किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन है कहां, ये आप लोग देखिए, ये इंडो पैसिफिक रीजन आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन वाला रीजन हो गया और ये पैसिफिक वाला रीजन हो गया, तो यहां पर मिलकर ये इंडो पैसिफिक रीजन पूरा आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोग देखते हैं ये सारी कंट्री कवर होती है बेसिकली यहां पर। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, इंडो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो यहां पर जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है इसके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहां पर ये सामने रखा गया है। हालांकि अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, फ्रेमवर्क जो था इंडो पैसिफिक रीजन 2018 उसकी आउटलाइन ऑब्जेक्टिव चैलेंज स्ट्रेटेजिक ये सारे चाइना नॉर्थ कोरिया को ध्यान में रखते हुए जो खासकर इंडिया और अदर
जो कंट्री है उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर इनके द्वारा तैयार किया गया था। इंडिया को प्रिफर पार्टनर की तरीके से देखा गया। आप लोगों को मैंने बताया ना क्वाड, जिसमें कौन कौन है, जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और इसी के साथ में यूएसए हो गया। तो इन चार कंट्री के द्वारा मिलकर यहां पर क्वाड बनाया गया। तो ये क्वाड भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से था ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको टैकल किया जा सके साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी, क्योंकि चाइना जो है ना आज की डेट में वो अपने आप को बिल्कुल एग्रेसिव वे में लेके चल रहा है, तो उसको कैसे टैकल करना है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एम क्या है इसका, कई बार आप लोगों से आंसर राइटिंग में भी ऐसे पॉइंट पूछ ले जाते हैं, तो एम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बोला गया कि इंडिया को सपोर्ट, एक तरीके से इंडिया को सपोर्ट किया जाएगा लीडिंग ग्लोबल पावर बनने में, क्योंकि देखिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। पता चला चाइना कल को मोनोपोली बना के बैठ गया कि मैं ऐसा करूंगा, जिसको रोकना है रोक लो, तो पहले यूएसए था अब चाइना आगे सर्वे बैठ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कम से कम उसको टक्कर देने के लिए कोई होना चाहिए। तो इसी के चलते यहां पर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो इंडो पैसिफिक में सारे मिलकर साथ में आ रहे हैं। और डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो रिफॉर्म में हमारी कंट्री में काफी ज्यादा हेल्प की गई यूएसए के द्वारा, कोऑपरेशन की बात की जा रही है और इंटर ऑपरेबिलिटी की बात की जा रही है, तो मिलकर हम लोगों ने डिफेंस में भी कई सारे डिफेंस, आप लोगों ने देखा डिफेंस एग्रीमेंट यूएसए के साथ में साइन किए गए डोनाल्ड ट्रंप के टाइम के ड्यूरेशन में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में अगर बात करें ईस्ट एशिया समिट और आसियान जो डिफेंस मीटिंग देखने को मिली, ये डिफेंस मीटिंग प्लस, तो ये भी यहां पर इसी के एक और था बढ़ता हुआ कदम, ताकि जैसे कि वियतनाम हो गया उसके साथ में चाइना की प्रॉब्लम है, फिलिपीन हो गया उसके साथ में चाइना की प्रॉब्लम है, तो ये सारा जी रीजन अगर मैं आप लोगों को मैप में यहां पर दिखाऊं फिर से, तो यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर वियतनाम हो गया, फिलिपीन हो गया, तो ये सारे रीजन जो साउथ चाइना सी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो चाइना बोलता है मेरा रीजन है, जबकि सबके हिस्से में आता है वो, तो इसके एक्चुअली दिक्कत क्या लग रही है मुझे, मुझे लग रहा है कि अदरक का पानी पिया था मैंने, तो उसमें अदरक का थोड़ा वो नहीं था, जो अदरक का फूसा लटका रहता है मुझे लगता है उसको भी थोड़ा मैंने चबाया था गले को थोड़ा सही करने के लिए, तो वो अटक गया थोड़ा बहुत। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो उसके भी बारे में बात की जा रही है। पहले लुक ईस्ट थी, यानी कि ईस्ट की तरफ को देखो, यानी कि पहले जो हमारी कंट्री के जो रिलेशन हुआ करते थे वो इस साइड में ज्यादा हुआ करते थे, इस साइड को नहीं हम लोग देखा करते थे, तो हमने बोला कि ईस्ट की तरफ को देखते, तो पहले तो हम लोगों ने देखने स्टार्ट किया, मोदी जी ने बोला कि बहुत देख लिया थोड़ा काम कर लेते हैं, तो फिर इनके साथ में काम भी करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहां पर इसके साथ में अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी हो चुकी है, तो इस पर्टिकुलर रीजन के साथ में अगर बात करें चैलेंजेस के बारे में, तो यहां पर यूएसए जो स्ट्रेटेजिक जो प्राइमरी इंडो पैसिफिक अगर बात करें इसके बारे में, तो चाइना को बेसिकली स्टॉप करने की बात की जा रही है ताकि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ सके, और नॉर्थ कोरिया भी जो खासकर कई बार थ्रेट देता है, अब तो पता नहीं न्यूज में नहीं है, चाचा भतीजा की बड़ी अच्छी जोड़ी बनती थी, अब किम जोंग उन जो है वो न्यूज में नहीं है, पता नहीं कहां पर क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो क्या होता था बात बात पर बोलता था कि मिसाइल फेंक दूंगा तुम्हारे उस पे, तुम्हारे आसपास वाले रीजन पे, तुमको ये कर दूंगा, जापान को ये कर दूंगा, साउथ कोरिया को ये कर दूंगा, तो ऐसी हरकतें करता था, तो इसको भी जो थ्रेट करता था बार बार यूएसए को, तो उसको भी रोकने की बात की जा रही थी। और यूएसए की जो इकोनॉमिक लीडरशिप है ग्लोबली वो फेयर और रेसिप्रोकल ट्रेड के बारे में बात करती है, जबकि चाइना के बारे में अगर आप लोग बात करते हो, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, तो क्या करता है अपनी कंट्री के लोगों को लेकर जाता है, अपना मटेरियल लेकर जाता है कई बार, और वहां के एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, वहां के लोगों को जॉब भी नहीं देता, इसी के साथ में वहां पर काम कर रहा है तो उसको जाकर एक तरीके से उधारी देता है, तो डेट में फंस जाते हैं वहां पर, तो डेट क्राइसिस आप लोगों को देखने को मिलने लगता है वहां पर, तो ये सारी कंडीशन निकलकर सामने आती है। तो अगर आंसर राइटिंग में भी कुछ लिखने के लिए आए ना, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट था, कई सारी बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताए। आइए अब आगे बढ़ते हैं डिफेंस के बारे में, ये न्यूज है और जो प्यारी न्यूज है इसके बारे में आप लोगों से बताया था डिस्कस करेंगे, तो वो यही वाली न्यूज है, बात की जा रही है यहां पर असमी के बारे में, तो इसका नाम रखा गया असमी, जिसका मतलब होता है यहां पर प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट और हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग एक सही सी जॉब अगर लाइफ में आप लोग पकड़ लेते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट भी होगी, और हार्ड वर्क एक तरीके से अगर करेंगे तभी आप लोग इनको अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर जो इसका नाम है, ये फर्स्ट इंडिजिनस 9mm जो मशीन पिस्टल है यहां पर, ये जो आप लोगों को पिक्चर में भी यहां पर देखने को मिल रही है, तो ये हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप की गई इंडिजिनस, यानी कि हमारी कंट्री ने खुद ने डेवलप की है, किसके द्वारा, ये है इन्फेंट्री स्कूल, कहां पर है ये, मऊ में है, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, और डीआरडीओ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसको ARDE आप लोग बोलते हैं, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जो मशीन पिस्टल है यहां पर, ये सेल्फ लोडिंग वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड भी है और एक तरीके से बस्ट कर सकती है फायर कई सारी बुलेट एक साथ में, जो कि 9mm की यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी फायर पिस्टल, ठीक है। ये 2 किलोग्राम से भी कम इसका वेट है, ये अच्छी बात है,
33 राउंड हाई कैपेसिटी मैगजीन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं कि काफी एक ताकतवर वेपन है, अगर हमारी कंट्री में ये जवानों के हाथ में आएगा तो उनको सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल गन लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलेंगे ना तो ज्यादा भारी है, इसी के साथ में कहीं टैंक पर जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट पर जा रहे हैं या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी ना, ऐसे किसी स्ट्राइक पर जा रहे हैं तो ये काफी फायदेमंद रहेगी। और बड़ी सस्ती बना दी यार, 50,000 में बना दी, नॉर्मली बाहर से इतनी महंगी महंगी खरीद कर लेकर आते हैं, तो इससे क्या होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काफी फायदा मिलेगा और हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इसमें जो यहां पर यूज किया गया एल्यूमिनियम और एक जो एल्यूमिनियम यूज किया गया यहां पर और इसी के साथ में कार्बन फाइबर जो कि बेसिकली यहां पर बनाने के लिए, और 3D प्रिंटिंग जो है वो यहां पर एक प्रोसेसर है जो यहां पर यूज किया गया है। 3D प्रिंटिंग का जो एनिमेशन है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा या फिर आप लोग खुद भी जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, तो देखिएगा 3D प्रिंटिंग होती क्या है बेसिकली, ठीक है, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। या फिर इस वीडियो के एंड में एक छोटी सी वीडियो, फिर यार कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाता है, चलिए आप लोग खुद मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कई बार कॉपीराइट के चक्कर पड़ जाते हैं कई सारे वीडियो के ऊपर, तो ये लगता है कि हमारा डेटा यूज कर लिया मैंने। जो कल का द हिंदू है उसमें जो एक मूवी के कुछ डायलॉग डाले, अब तक तो कॉपीराइट नहीं मिली है, अगर वो वीडियो हट जाए तो ये सोच लेना कि कुछ गड़बड़ हो गया वीडियो के साथ में, ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर कई उसमें कई सारी चीजें उल्टी सीधी हो जाती हैं, पर लेकिन देखिए जब मन करता है ना कुछ समझाना है तो फिर कॉपीराइट वॉपीराइट चलता रहता है, बस ये कि टॉपिक समझ में आना चाहिए ढंग से, वो वाली फीलिंग आती है अंदर, तो इसलिए फिर मैं कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें भी कर देता हूं। हालांकि ऐसी हरकतें यूट्यूब भी अलाउ करता है, क्योंकि मैं उससे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहां पर पेड सामान चला रहा हूं, क्योंकि मैं कोई कमर्शियल काम नहीं कर रहा हूं यहां पर, ये तो एक इस पर्पज से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, पर फिर भी सामने वाले का कंटेंट है, क्या पता कितना दिमाग फिरा इंसान है, क्या दिमाग में आए, तो वो एक अलग चीज है, पर हाँ फिर भी चलिए जो भी है उसको फिर बात करके देख लेंगे जो भी अगर ऐसा कुछ होगा। रिपोर्ट और इंडेक्सेस के बारे में बात की जा रही है, यहां पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो इंडिया की जो रैंक है यहां पर ये 85th देखने को मिली, मोस्ट पावरफुल जो पासपोर्ट है जिसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है यहां पर ये बेसिकली ओरिजिनल रैंकिंग देता है वर्ल्ड में पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन जो रहते हैं उसके होल्डर, जहां पर ये बिना वीजा के जा सकते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग यूएसए में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वीजा लेना पड़ता है, यानी कि दूसरी कंट्री में अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पर वीजा के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, फिर वीजा आप लोगों को मिलता है तो उसको आप लोग आगे लेकर चलते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग ऐसे ऐसे कंट्री में आप लोग जाएं और वीजा नहीं लगे तो इसका मतलब है कि एक पावरफुल वीजा पावरफुल पासपोर्ट के साथ में आप लोग रहते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल जो पासपोर्ट है आज के डेट में वो है जापान का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जो यहां पर ओरिजिनली क्रिएट किया गया था यह डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर बनाया गया था, जो कि चेयरमैन भी हैं यहां पर हेनली और पार्टनर है इसके साथ में, जो कि रैंकिंग तैयार करते हैं, डेटा उठाते हैं यहां पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। जो यहां पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है तो यहां पर जब डेटा इकट्ठा किया जाता है तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब सही तरीके से डेटा इनके पास में आता है, तो इसलिए बोला गया कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा तैयार करते हैं यहां पर, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगर इंटरनेशनल एयर जो यहां पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है इसके बारे में अगर थोड़ी सी कुछ बातें मैं आप लोगों से करूं तो यहां पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में है। इसके जो लीडर हैं ये हैं विलियम एम वॉल्स, इसी के साथ में जिसको बनाया गया था 1945 में इसको बनाया गया था, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लग गई। अब यहां पर इस अगर बात करें सबसे एक्यूरेट डेटाबेस माना जाता है ट्रेवल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था और इंक्लूड करता है 199 जो डिफरेंट पासपोर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह, जापान का अगर पासपोर्ट आप लोगों के पास में आ जाता है तो आप लोगों को यहां पर 191 कंट्री में कोई वीजा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगापुर का आप लोगों के पास में आ जाता है तो 190 कंट्री के अंदर आप लोगों को वीजा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में तो बड़े खतरनाक चीजें चल रही हैं, ठीक है, यहां तो सबसे लोवेस्ट रैंकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। साउथ कोरिया और जर्मनी में आप लोगों को देखने को मिलेगा 189 कंट्री में। इसी के साथ में ये मैक्सिमम यूरोप, यूके और यूएसए हुआ करते थे, पर लेकिन अब फिलहाल एशिया पैसिफिक रीजन की जो कंट्री है वो भी थोड़ी बाहर निकल के आई है, खासकर वो कंट्री जो जल्दी से जल्दी कोविड-19 से रिकवर कर रही है, सीरिया, इराक और जो अफगानिस्तान है, ये 29, 28 और 26 के साथ में यहां पर ये लोवेस्ट पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 185 है, जो काफी नीचे आप लोग बोल सकते हैं। और यहां पर बात करें हमारी जो पहले रैंक थी वो 84 थी, इसी के साथ में पहले 82 थी, यानी कि कहने का मतलब ये जितने ऊपर ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे रैंकिंग जा रही है 2019, 2020 और अब 2021 में, तो रैंक जो है वो और डाउन चली गई है। नेपाल और पाकिस्तान की रैंक के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 107 और नेपाल की रैंक है 104। तो रैंक डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली जाती है किसके द्वारा तैयार करी, किसने टॉप किया, कौन लो पर है, हमारी रैंकिंग क्या है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को क्लियरली माइंड में पता होनी चाहिए, ठीक है।
आइए अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बड़ी प्यारी न्यूज है यहां पर। प्यारी क्या मतलब, प्यारी उस सेंस में बोल रहा हूँ कि मतलब जो चीजें देखने में अच्छी लगती है वो कई बार अच्छी नहीं होती है। देखने में तो आप लोगों को लगेगा यहाँ पर यार वाह क्या बर्फ पड़ा हुआ है, तो बर्फ नहीं है, ये गंदगी है और पोल्यूटेड हो चुकी है ये रिवर। यहाँ पर बात की जा रही है यमुना रिवर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिवमोटो रिकॉग्निशन एक तरीके से लिया गया, एक तरीके से कॉग्निजेंस लिया गया है पोल्यूशन जो अभी यहां पर देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में अगर आप लोग बात करते हैं तो यमुना रिवर बहती है, तो यहां पर 2017 में बोला गया था कि भाई साहब मिलकर आप लोगों को यहां पर ये को क्लीन करना है और इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप लोगों को लगाना है, यानी कि गंदगी को ट्रीट करकर आप लोग जो भी गंदगी आती है उसको ट्रीट करकर साफ पानी आप लोगों को नदी में छोड़ना है। तो इसके चलते यहां पर जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको यहां पर बोला गया था कि 31 मार्च 2017 तक का टारगेट है, तो पर लेकिन अभी कुछ नहीं देखने को मिला है। इसके चलते 2017 में यहां पर यह पर्यावरण सुरक्षित समिति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। केस याद रखिएगा, अगर एनवायरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है ना या फिर क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली केस था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया था कि आप लोग यहां पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर कॉमन एफ्लुएंट जो ट्रीट प्लांट आप लोग ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए ताकि गंदगी ना जा सके यहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अर्जेंट पिटीशन अभी फाइल की गई थी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उसके बारे में यहां पर सुना गया। देखिए यहां पर आसपास वाले रीजन में ना, जैसे कि हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा के अंदर काफी सारा डिस्चार्ज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और भी कई सारे ऐसे जो है कई सारे गंदे गंदे नाले यहां पर बहकर इसके अंदर आते हैं आसपास वाले रीजन से। आप पहले से जहां से अगर बात करें जो निकलकर चलती है, जो यमुना रिवर की बात करिए चाहे गंगा की बात करिए, तो जो भी किनारे पर राज्य है वो वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको भी दूर करने की यहां पर बात की जा रही है। तो बेसिक पर्पज क्या है यहां पर, ताकि यहां पर जो सिटी टाउन या फिर जो विलेज है जो डिस्चार्ज करते हैं गंदी चीजें यहां पर डायरेक्ट यहां पर रिवर के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर, उसको रोका जा सके, क्योंकि जितना पोल्यूटेड हमारा पानी रहेगा उतना ही पोल्यूशन हमारी जिंदगी में फैलेगा और उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करें, जैसे पंचायती राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आया था, इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आई थी। तो यहां पर 243 का डब्ल्यू जो है यहां पर ये यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर म्युनिसिपैलिटी और जो लोकल अथॉरिटी है सिटीज के अंदर, ठीक है, उनको बोलते हैं कि आप लोग इनको इंप्लीमेंट करो कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि 12th शेड्यूल के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। हमारे संविधान में अगर आप लोग जाएंगे तो हमारे संविधान में जो पार्ट थर्ड हो गया, पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 21 आप लोगों को राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ओनली राइट टू लाइफ नहीं है, ये राइट टू क्लीन एनवायरमेंट के बारे में बात करता है, पोल्यूशन फ्री वाटर के बारे में बात करता है, इसी के साथ में ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि आप लोग ऐसे सोचिए कि इंसान जिंदा है तो क्या क्या उसको चाहिए, तो वो सारी चीजें यहां से देखने को मिलती है। जो यमुना है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें करूं, तो यमुना जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसी के साथ में यहां पर है ये बांद्रा पुंच जो पीक है, तो ये मसूरी रेंज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिमालय उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। तो ये बांद्रा पुंच जो पीक है ये भी याद रख लीजिएगा कहां पर है, तो ये मसूरी के पास में उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो कहां से निकलता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यहां पर ये निकल कर आता है जो कि यमुना है। अच्छा ये बताइए ये यमुना जो है वो गंगा से जाकर कहां पर मिलती है, यानी कि दोनों का मिलन कहां पर होता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में यहां पर बात की जा रही है, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, तो सीधे सीधे ये बोल सकते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड मार्केट और ट्रेड रिपोर्ट के बारे में, तो यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा अभी देखा गया यहां पर कि एक रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई जिसमें यह बोला है कि इंडिया से गेहूं और चावल खरीदे जाएंगे उनकी जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री से एक टाइम ऐसा था कि हम लोग यहां से चावल हमसे गेहूं हम लोग यहां से गेहूं खरीदा करते थे, जब हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब जाकर चीजें चेंज हुई। देखिए समय बदलते हुए ना टाइम नहीं लगता है, अगर आप लोग अपने ऊपर सही तरीके से काम करते हैं तो सिचुएशन इतनी जल्दी बदल जाएगी। जो आप लोगों से चिढ़ते हैं, जो आप लोगों से एक तरीके से इरिटेट होते हैं, वो ये सोचेंगे यार किसी तरह से इंसान से बात हो जाए, इस तरीके से आप लोग समझते हैं। तो यहां पर एक टाइम ऐसा था कि यूएसए से हम लोग गेहूं खरीदने के लिए तरस रहे थे, हमारी कंट्री में लोग भूखे मर रहे थे, और आज के डेट में उल्टा हो गया काम सारा। तो इंक्रीज होगा वीट का एक्सपोर्ट यहां पर यूएसए के अंदर, यहां पर ये रिपोर्ट अभी देखने को मिल रही है। तो ज्यादा रटने वाला डेटा आप लोगों को याद नहीं रखना है, ऐसा कि यहां पर ये चीजें चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे सिचुएशन बदलती रहती है, पर हाँ ये याद रखिएगा कि जो यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इसके द्वारा यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है कि जुलाई से लेके जून तक का जो टाइम ड्यूरेशन है 1.8 मिलियन टन अगेंस्ट जो यहां पर 1 मिलियन टन हुआ करता था। इसी के साथ में ये तो गेहूं की बात हो गई, राइस में भी ऐसी तरीके से यहां पर चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं जो कि 14.4 मिलियन टन, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर अगर बात करें चाइनीज, हालांकि टॉपर चल रहा है चावल के मामले में, चाइना टॉपर है, चाइना चावल, ठीक है। बाकी अगर बात करें जैसे थाईलैंड था, वियतनाम था, काफी लार्ज स्केल पर यहां पर चावल जो थे वो एक्सपोर्ट हुआ करते थे, पर लेकिन यहां पर सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से यहां पर ड्रोथ आने की वजह से यहां पर जो प्रोडक्टिविटी थी
वो काफी कम हो गई। तो इसलिए यहां पर जो पहले चावल सप्लाई किया करता था बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश के अंदर भी जो चावल है वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री से ही जाते हुए नजर आएंगे। तो कोविड पेंडेमिक के चलते कई सारी कंट्री से यूएसए, इंडिया, रशिया जो है वो एक तरीके से रिड्यूस कर रही है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है तो दूसरी कंट्री भी उनसे खरीद रही है। यहां पर अगर रशिया की बात करें तो आज के डेट में रशिया जो है वो देखिए अपनी कंट्री के अंदर यहां पर टैक्स लगा रही है, क्योंकि उसकी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्राइस हाई हो गए। अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं कोई सामान बेच रहा हूं, मैं गांव में रहता हूं और वहां पर मैं कोई सामान बेच रहा हूं, वो सामान मैं गांव में ना बेचकर बाहर लोगों को भेज रहा हूं और पता चला गांव के लोगों को मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा यार गांव का सामान जो है वो गांव में रहे, पहले गांव के लोगों को तो कम से कम दिक्कत ना हो, बाहर का तो बाद में देख लेंगे। वो नहीं कहते कि शर्मा जी पहले अपनी पेटी बांध लो, तो अपनी पेटी जो है वो बंध नहीं रही है, दूसरों के बारे में क्या सोचोगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप लोग किसी की हेल्प करनी है तो पहले खुद आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, जब आप लोग कमाने लगो तो उसके बाद में फिर करते रहना हेल्प जितनी भी करनी है। माँ बाप के जो पैसे होते हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना सीखो और बाकी का जो भी कमाओ फिर उसको देख लेना कैसे कैसे आप लोग को यूटिलाइज करना है, जितने अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो वही बात है कि पहले अपने ऊपर आप लोग डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट है वो बनने की कोशिश करो। तो बांग्लादेश जो है वो यहां पर इंपोर्टर है यहां पर जो वीट का रशिया से, तो रशिया से इंपोर्ट कर नहीं पा रहा था, अब यहां पर थाईलैंड में यहां पर सूखा पड़ गया और ये वियतनाम के अंदर, तो अब यहां पर इंडिया की तरफ को यहां पर ये झुक रहा है। तो यहां से तो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री के लिए फायदा रहेगा, तो इसके चलते काफी इंपोर्टेंट ये न्यूज है जो कि एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की जा रही है और काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। ये जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है इंट्रा अफगान टॉक के बारे में, इंट्रा अफगान यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो टॉक चल रही है उसकी पार्टी के बीच में, खासकर जो उसकी गवर्नमेंट हो गई या फिर तालिबान हो गए, हमारी कंट्री के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर किसी कंट्री के इस तरीके से डिप्लोमेट्स वहां पर जा रहे हैं तो ये हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है और वन ऑफ द शार्प माइंड आप लोग अपनी कंट्री का इनको बोल सकते हैं, जिनके द्वारा काफी बड़े बड़े मुद्दे जो हैं पास्ट में सुलझाए गए हैं। अगर बात करें यहां पर इंटर अफगान स्टॉक के अंदर, तो हमारी कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर, खासकर दोहा में ये टॉक स्टार्ट की गई थी यूएसए के साथ मिलकर। तो अब यहां पर तालिबान के साथ में अफगानिस्तान की जो हाई काउंसिल ऑफ नेशनल जो रिकाउंसिलेशन है उनके द्वारा मिलकर यहां पर बात की जा रही है, तो इसके चलते रिप्रेजेंटेटिव है जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के और यहां पर ये तालिबान के वो मिलकर बात करेंगे। इसमें यहां पर एक तरीके से यूएसए हो गया तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव, गनी गवर्नमेंट हो गई, इसमें हमारी कंट्री को भी यहां पर एज ए ऑब्जर्वर की तरीके से पूछा जा रहा है, ताकि यहां पर कल को अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अफगानिस्तान के अंदर उसको हम लोग कंटिन्यू रख सकें और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकें, ऐसे पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं। बाकी कई सारे पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेकंड राउंड चल रहा है तो ये थर्ड राउंड चलता रहेगा, उसके बारे में कोई इंपोर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा ये जरूर याद रखिएगा दोहा पीस पैक्ट के बारे में। ज्यादातर चीजें मैंने उसके लिए डाल दी है जो पहली बार न्यूज देख रहा है, ताकि आप लोग को अगर पढ़े तो कोई कंफ्यूजन हो, जब भी आप लोग पीपीटी उठाकर देखें तो कई सारी चीजें डाल दी है। पर लेकिन दोहा पीस पैक्ट जो था ये 2020 में फरवरी में स्टार्ट हुआ था, यूएसए के द्वारा तालिबान के साथ में एग्रीमेंट साइन किया गया था कतर दोहा के अंदर में, तो उस टाइम पर ये सोच रहे थे जल्दी से जल्दी यहां पर निकला जाए और 14 महीने का टाइम इनके द्वारा मांगा गया था। तो देखिए ये तो निकले नहीं यहां से, पर डोनाल्ड ट्रंप निकल लिए जिनके द्वारा ये काम किया गया था और बोला गया था तालिबान के जो भी प्रिजनर हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर उनको सबको छोड़ा जाएगा, तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा टर्म एंड कंडीशन साइन की गई थी। अभी कंटिन्यू है यहां पर, तो बोला जा रहा है कि लाइक माइंडेड कंट्री अगर साथ में आए, एक तरीके से यूएसए का विड्रोल रहेगा या नहीं रहेगा वो भी आगे चीजें देखने को मिलेगी। अब यहां पर आने वाले टाइम में जो बाइडेन कैसे इसको लेकर चलते हैं तो वो भी एक नया मुद्दा होगा, तो कई सारी अभी चीजें जो है वो चेंज होने वाली है। तो अभी यहां पर एक्सचेंज व्यू की बात की जा रही है, पीस प्रोजेक्ट जो सेकंड राउंड इंट्रा अफगान जो टॉक है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को बनाने का काम करेगा। तो दोहा पीस पैक्ट के बारे में पूछे तो किसके बारे में, ये अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो कंफ्यूजन अगर माइंड में हुआ तो बोलोगे यार ये कहां से आ गया और क्या था, हमने तो सुना ही नहीं, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों ने सुन रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ध्यान से सुनिए और फिर उसको आप लोग रिविजन भी करते रहिए। आइए अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। बेसिकली अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ से भी बात करूंगा, वैसे यूएसए के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में अगर हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनका इंपीचमेंट करना है तो इंपीचमेंट कहां पे स्टार्ट होगा, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं न्यूज आप लोग को बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट यहां पर बन गए यूएसए के हिस्ट्री में, जिनको अपने टेन्यूर के एक ही टेन्यूर में यहां पर दो बार इंपीचमेंट करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। यानी कि पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको दो बार मुखी खानी पड़ गई, क्योंकि अभी फिलहाल ये विद्रोह देखने को मिला 6 जनवरी 2021 में, आप लोगों ने देखा क्या हुआ, जो बाइडन को जो यहां पर बेसिकली जो बाइडन जो इलेक्ट होकर आए उसको अपोज करने के लिए यहां पर इनके सपोर्टर जो थे वो यहां पर आकर चढ़ गए, तो काफी ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा बीजेपी यूएसए की हुई जब कैपिटल में आकर यहां पर सब चढ़ गए उस टाइम पर। अगर बात करें यहां पर यूएसए के बारे में,
तो जो लेजिस्लेचर है यूएसए के अमेरिका के अंदर में, तो उनके द्वारा यहां पर बेसिकली ये अभी जो चीजें देखने को मिल रही है, इसके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फिर से इंपीचमेंट प्रोसीजर यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जैसे हमारी कंट्री में होती है ना राज्यसभा और लोकसभा होती है, इसी तरीके से इनकी कंट्री में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा है, सीनेट, और लोकसभा है यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं यहां पर, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां से ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा जिस तरीके से। तो यहां पर अगर बात करें तो ये इस तरीके से यहां पर इंपीचमेंट का इनका प्रोसीजर जो स्टार्ट किया गया उसके बारे में बात की जा रही है। जो रीजन है इंपीचमेंट के कई सारे होते हैं, या तो कहीं ब्राइबरी ले ली, ठीक है, या कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दी, मिसबिहेव वगैरह कर दिया। तो यहां पर अर्लियर जो था इंपीचमेंट किस किस का ऐसा हुआ था, तो यहां पर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का भी देख चुके हैं आप लोग, तो 3 ऐसे यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप 2019 में, बिल क्लिंटन 1998 में, यहां पर एंड्रू जॉनसन थे, उनका यहां पर देखने को मिला था 1868 में। यानी कि बहुत बेइज्जती वाली बात होती है, पर लेकिन उसके लिए है जो फील कर सके, ठीक है, जिसको फील ही नहीं होती बेइज्जती उसकी कितनी कर लो, उसको क्या पता बेइज्जती क्या होती है, वो तो उसको मजे में लेता है। तो वही चीज आप लोग यहां पर देखते हैं। तो नो यूएस प्रेसिडेंट, अच्छी बात यह कि अब तक कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट जो है उसको ऑफिस से रिमूव नहीं किया गया इंपीचमेंट के प्रोसीजर के थ्रू, यानी कि स्टार्ट किया गया है बस, पर लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? रीजन यह था कि बाद में चल के सीनेट के द्वारा यहां पर उसको रोक दिया जाता था, ठीक है। मैकेनिज्म अगर इंडियन प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के बारे में बात करें तो एक ही चीज है, वो है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर संविधान का उल्लंघन किया जाए, पर लेकिन कुछ डिफाइन नहीं किया गया कि वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो हमारी कंट्री में लोकसभा, राज्यसभा, तो यहां पर कोई भी इसको इनिशिएट कर सकती है। तो इंपीचमेंट बोलते हैं, वर्ड भी यूज किया था हमारी कंट्री में इंपीचमेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड इंपीचमेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसको याद रखिएगा। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर आप लोगों को जज वगैरह हटाने हैं वहां से उसको इन द प्रोसीजर, तो उसको इंपीचमेंट नहीं वर्ड यूज करते, इंपीचमेंट बस ओनली प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। छोटी सी पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, नेशन के बारे में बात की जा रही है। ये जो न्यूज है यहां पर इसमें बात की जा रही है, यूनियन जो मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हर्षवर्धन साहब जो है इनके द्वारा न्यू इंस्टीट्यूट अभी देखने को मिला, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहां पर CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, जिसको CSIR NISCPR के नाम से बोलते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है एक नया इंस्टीट्यूट बनाया गया यहां पर। तो क्या किस किस को एस्टेब्लिश करके, किस किस को मिक्स करके बनाया गया है? तो दो इंस्टीट्यूट थे, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, एक तो ये था जिसको CSIR NISCAIR के नाम से बेसिकली बोलते थे, दूसरा था CSIR NISTADS, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि इन दोनों को मिक्स करके अभी फिलहाल एक इंस्टीट्यूट बना दिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे NSO, ठीक है, तो NSO जो बनाया गया यहां पर वो किस किस को मिक्स कर यहां पर बनाया गया, ये आप लोगों को बताना है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये भी आप लोगों को बताना है। और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार आप लोगों से पूछ लिए आते हैं। तो यहां पर ये जो बेसिकली काम करेगा साइंस एंड कम्युनिकेशन जो पॉलिसी रिसर्च में काम करेगा, COVID-19 में भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस देकर चला जाएगा। स्टडी और कम्युनिकेशन के फील्ड में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो मिशन के तौर पर काम किया जा रहा है। तो जिस तरीके से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है ऐसे ही यहां पर ये ऑफिस है, तो उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर ये न्यूज है, और जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है किसके बारे में, यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइड से डेडिकेट किया गया इनोवेशन पोर्टल डेवलप किया गया यहां पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा, जिसको NIF आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो पोर्टल है ये बेसिकली जिसको नेशनल इनोवेशन पोर्टल बोला गया, करंटली 1.15 लाख इनोवेशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, कॉमन जो पीपल है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी और हेल्थ के अंदर में। बाकी अगर बात करें डोमेन एरिया के, एनर्जी में, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, हाउस होल्ड, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली जिस जिस फील्ड में इनोवेशन किया जाता है, यानी कि जनरल पर्पज से आप लोग इसको बोल सकते हैं, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जा रहा है। जो इनोवेशन पोर्टल है यहां पर ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाता हुआ एक कदम है हमारा। इसी के साथ में ये रिसोर्सेज काफी अच्छा यहां पर प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, या फिर टेक्नोलॉजी बिजनेस जो इनक्यूबेटर होते हैं, एक तरीके से मिलकर काम किया जा रहा है सबके साथ में, ताकि अपनी कंट्री में जॉब प्रोवाइड करा सकें और अपनी ही कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे लेकर चले जा सकें और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। तो नेशनल इनोवेशन जो फाउंडेशन है हमारी कंट्री में किसके अंडर आती है, तो ये साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में यहां पर आती है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से अगर ऐसा कोई बने तो देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में जैसे मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था यहां से, तो रिवीजन भी आप लोगों का कराते रहता हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी चीजों को ध्यान से सुनते हैं तो आप लोग इनको भूलोगे नहीं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं गवर्नमेंट के एक स्कीम के बारे में।
गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहाँ पर इसका थर्ड फेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बात की जा रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा यहाँ पर कौशल विकास योजना छुपा दी क्योंकि आप लोग तुरंत समझ जाते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी तीसरा फेज यहाँ पर इसका स्टार्ट किया गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो अभी बात करें अगर इसके बारे में तो देखिए यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है वो यहां पर जो फोकस दे रही है न्यू एज और कोविड 19 जो स्किल है उसके ऊपर फोकस देकर चल रही है। आज की डेट में जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं ठीक है, पहले कुछ और प्रॉब्लम हुआ करती थी तो आज की डेट में कुछ और प्रॉब्लम है। पहले गरीबी की वजह से प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब कुछ ऐसी ही चीजें हैं कि लोग काफी कुछ एरिया में तो कई सारे अमीर लोग भी हो गए जिसकी वजह से अमीरों वाली प्रॉब्लम, मोटापा एक नई प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। पहले टाइम पे इतने काम होते थे, आज के डेट में सारे काम जो मशीन कर रही है ठीक है, इतनी लंबी लंबी सिटिंग होती है और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मजे में करते हैं, जैसे मैं अपनी खुद की आप लोगों को बताऊं काफी लंबी लंबी सिटिंग मेरी भी हो जाती है। हालांकि बीच बीच में मैंने अपना एक तरीके से थोड़ा सा शेड्यूल बना रखे, बीच बीच में उठ के चलते रहना है, घूमते फिरते रहना है, पानी पीते रहना है। तो अपने आपको फिट रखने के लिए आप लोगों को अपना जो शेड्यूल है उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को आप लोगों को समझनी पड़ेगी वरना कई सारी बीमारी लगना स्टार्ट हो जाती है यार बॉडी में। यहां पर स्किल इंडिया जो मिशन है यहां पर खासकर बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो थर्ड है यहां पर, इसमें 8 लाख जो कैंडिडेट है उसमें बात की जा रही है पीरियड 2020 से लेके 21 तक, ये देखने को मिलेगा। इसमें 948 करोड़ के करीब यहां पर खर्च किए जाएंगे, 729 जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए जा रहे हैं जिसके चलते, और इसी के साथ में 9 जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ट्रेनिंग सेंटर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 200 के करीब ITI, इसी के साथ में ये अंडर जो स्किल इंडिया के तहत यहां पर, तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है जिसमें ह्यूज संख्या में लोग जो है यहां पर आकर जुड़ रहे हैं। अगर बात करें स्किल इंडिया मिशन जो था ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में ठीक है, तो बेसिक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था ताकि हमारी कंट्री को स्किल कैपिटल बनाया जा सके। देखिए हमारी कंट्री में जो जनता है ना उसके पास में स्किल नहीं है, अगर स्किल अच्छी खासी हो तो फिर कोई भी काम इंसान कर सकता है। मान लीजिए अगर मुझे सिलना आता है ठीक है, तो मान लीजिए लेक्चर बनाया और उसके बाद में अगर मुझे सिलने में आता भी और इंटरेस्ट भी है तो उठाकर कुछ कपड़े सिलने बैठ गया 1 घंटे के लिए ठीक है। तो ये ऐसी चीज आप लोग इस तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी से मुझे काफी अच्छा लगता है, कुछ घर में जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो रखा है, पंखा खराब हो गया, खोल के बांध दो जितना बनता है वरना मिस्त्री के पास वरना फिर मिस्त्री के पास में ले जाओ, यानी कि ट्राई तो कर सकते हैं ना, खराब तो हो ही गया वो तो क्यों ना थोड़ा माथा बच्ची उसके साथ में कर ले। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ खुद से आप लोग करके इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से इसके लिए तो हो गई है तो उसको यूज आप लोग कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में जो स्किल इंडिया के अंदर कई सारी स्कीम है, उड़ान हो गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया ठीक है, तो कई सारी चीजें यहां पर बता रखी हैं। ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर की थी पिक्चर, आप लोगों ने देखी होगी। अगर बात करें स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत हमारी कंट्री में 300 मिलियन के करीब स्किल लोगों को लाने की बात की जा रही है 2022 तक, ताकि हमारी कंट्री में अगर स्किल एक बार को आ गई ना तो कल को बाहर से कोई काम करने के लिए कोई कंपनी आ रही है तो उसको स्किल लेबर फोर्स मिलेगी और हमारी कंट्री में आकर लोग जो है वो अपने प्लांट वगैरह लगाएंगे जैसे आजकल में चाइना में जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो एक तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। डायमेंशन ऑफ स्किल इंडिया के बारे में बात की जा रही है जिसके चलते आप लोग यहां पर इसके अंडर जो ट्रेनिंग जो फी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है, यानी कि फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्वालिटी भी रहेगी पर गवर्नमेंट पे कर रही है, आप लोगों को पे नहीं करने हैं ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट पे कर रही है, तो यानी कि हम पे कर रहे हैं, हम टैक्स पे करते हैं तो हमारे पैसे से आ रही है, गवर्नमेंट का मतलब नहीं है गवर्नमेंट पे कर रही है ठीक है। तो इसका मतलब यह कि समझा करो कि हम लोग अपना आप ही पे कर रहे हैं, तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी आप लोगों को ठीक है, यानी कि फ्री में नहीं ले रहे हैं ठीक है, अपना टैक्स दे रहे हैं और हम ही को उल्टा दे रहे हैं वो लोग ठीक है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बारे में तो कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर ठीक है, लगभग 150 से लेके 300 आर के जिसको जल्दी से जल्दी ट्रेन किया जा सके, अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए किसी को, जैसे कि अगर आज की डेट में किसी को कोई ऐसा काम सिखाना है कि यार ये काम कैसे करते हैं ठीक है, कोई छोटा सा काम बता दिया जैसे कि पीपीटी कैसे बनानी है, अगर मान लो कि मुझे किसी को काम पे रखना है ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार पीपीटी कैसे बनानी है, तो उसको बैठकर 2-3 घंटे के अंदर मैं उसको बता दूंगा कि कैसे कैसे पीपीटी आपको बनानी है ठीक है, तो पीपीटी बना के आप लोग सेंड कर देना ठीक है। तो उस तरीके से वो चीजें आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि ट्रेनिंग टाइप जो स्किल होती है छोटी सी, तो उस तरीके से यहां पर बात की जाती है। तो उसी के बारे में जैसे लैपटॉप अगर किसी के पास में तो उसको बोले यार ये पीपीटी बना के दे देना ठीक है, तो जितना भी उसका जो चार्ज लग सकता है, जो भी उसकी कॉस्ट उसकी पड़ सकती है, उसका जो टाइम जो लिया है उसके हिसाब से उसको पे कर दो। तो ये वाली चीजें तो थोड़े से टाइम में बता दिया, इसी के साथ में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं छोटी छोटी सी कि ये बता दो इस तरीके से कि ये काम, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया कि अच्छा इसको ऐसे ठीक कर देते हैं तो उसको समझा दो एक बार, बढ़ई वाले काम हो गए ये आराम से किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो खासकर अपनी एजुकेशन छोड़ चुके हैं तो उसको भी इसके अंदर लाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जो है उसके द्वारा यहां पर बेसिकली एक ट्रेनिंग का प्रोसेस यहां पर स्टार्ट किया था, अच्छी बात है, सर्टिफिकेट भी मिलता है आप लोगों को इसके बाद में ठीक है। तो यहां पर जो इंडियन जो इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहां पर वो काफी बिल्डिंग ब्लॉक है यहां पर जिसके तहत यहां पर ये काम चलता है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे और आंसर देने काफी कम कर दिए, काफी कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। क्या हुआ भैया, ज्यादा पढ़ाई होगी क्या? ज्यादा पढ़ा दिया कुछ ऐसा हो गया कि अब आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं खेलो इंडिया गेम 2022 में होने वाले मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा में हुए हरियाणा में होंगे 2021 में, 2020 में ये थे गुवाहाटी आसाम के अंदर, 2019 में महाराष्ट्र के अंदर और 2018 में दिल्ली के अंदर, फर्स्ट टाइम जब हुए थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैटेगरी रहती है, 17 साल और 21 साल। तो डिटेल में आप लोगों को बताया था, रिविजन हो गया। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी ये 8848 थी, 86 यहां पर और जोड़ दी यहां पर चाइना के द्वारा, 86.86 मीटर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बाकी डेली अब वीडियो जो है वो आप लोगों को 4 AM मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा आर्मी डे, तो आर्मी डे से अगले दिन हमारी आर्मी तैयार हो गई। तो देखिए यार, जिसको उठना है वो उठिए, जिसको नहीं उठना है वो तो उठेगा ही नहीं, उसमें कोई नहीं है, पर जो उठ रहा है वो रेगुलर उठते रहिए। ठीक है, वो हिम्मत जरूर, वो हिम्मत मत हारिए। देखिए कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो देर से काम कर अपने काम से आते हैं, और भी कई सारी कई बीमारी होती है, तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी में उठना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो लाने स्टार्ट किया था कि हाँ मन से यार, मन है कि यार हम भी 4 बजे उठ के अपने दिन को स्टार्ट करें। जिस तरीके से अगर बात करें जो लीडर हैं वो सारे 4 बजे से अपने दिन को स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे अगर मोदी जी की बात कर लीजिए, अगर बात करें बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स में यहाँ पर 4-5 के बीच में उठ जाते हैं। इसी के साथ में मार्क जुकरबर्ग आप लोग देख लो, हालांकि आज के दिन में नाम खराब हो रहा है व्हाट्सएप और दुनियादारी को लेकर, वो एक अलग बात है, तो अक्षय कुमार को आप लोग ले लो। तो ये सारी जो पर्सनैलिटी है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही है, तो ये प्रॉपर टाइम पर अपना दिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और लेक्चर अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा है, फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोग लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आंसर जरूर दिया करो। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं वो समझा डिटेल में हम लोगों ने। इसी के साथ में यहाँ पर पैसिफिक रीजन भी आप लोगों को दिखाया। नेशनल न्यूज यहाँ पर देखा, 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। डिटेल में इनोवेशन पोर्टल से रिलेटेड बात की यहाँ पर हम लोगों ने, किस तरीके से काम चल रहा है अलग अलग फील्ड में वो समझा। नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड न्यूज, काफी ये इंटरेस्टिंग न्यूज थी हमारी कि हमने एक गन बनाई है अपनी कंट्री के द्वारा। इसी के साथ में रिपोर्ट में हम लोगों ने पासपोर्ट हेनले इंडेक्स के बारे में बात की डिटेल में। इन्वायरमेंट के बारे में, पोल्यूशन को हटाने की बात की जा रही है दिल्ली के अंदर, ये इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड मैंने आप लोग कई बार दिखाई है। देखिए कई सारी चीजें आप लोगों को पीपीटी में ऐसी देखने को मिल जाती है कई बार कि एक्स्ट्रा डाल देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि कई बार रिपीटेडली दिखा लेता हूं, तो जो पीपीटी आप लोग जो डाउनलोड करते हैं उसमें आप लोगों को मिल जाएगी कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी जो मुझे लगता है, जैसे कि ये स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा डाल रखी है, कई बार बता चुका हूं इसको, जब लगता है मुझे टाइम बचा हुआ है एक बार और बता दें, अगर वीडियो थोड़ी छोटी रहती तो मैंने कहा एक बार और बता देता हूं। ठीक है, कई बार आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं गंगा के बारे में। ठीक है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, फिर जानबूझकर इसलिए नहीं दिखाई थी आप लोगों को कि कहां पर जाकर मिलती है दोनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था तो इसका आंसर दे दीजिएगा, तो इसलिए मैंने फिर इसको दिखाया नहीं। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने बात की, हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। पॉलिटी के बारे में बात की, प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमारी कंट्री के बारे में बात की हम लोगों ने थोड़ी सी। इंटरनेशनल रिलेशन में अजीत डोभाल साहब जो है दोहा में घूम रहे हैं, तो दोहा पीस अकॉर्ड के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बात की। इसी के साथ में गवर्नमेंट स्कीम में हम लोगों ने स्किल के बारे में बात की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर किसको टैगल करने की बात कर रहे हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में आप लोगों ने बात की, तो ये बताना है कि डीएसटी क्या है, ये जिसके अंदर ये ऑटोनोमस बॉडी जिसके अंदर आती है। ठीक है, इसी के साथ में ये जो नाम क्या है यहां पर, ये आप लोगों से नाम क्या है ये आप लोगों से पूछा था, और ये जो किस किस के द्वारा मिलाई जा रही है, तो इन्फेंट जो इन्फेंट्री स्कूल है कहां पर है, और डीआरडीओ का जो आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ये कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। इंडिया की रैंक कितनी है पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, और नाम बताना है पूरा इस इंडेक्स का। इसी के साथ में वीजा फ्री में सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री है, कौन सा आर्टिकल राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, ये क्या है स्कीम PMKVY आप लोगों को बताना है, और यहां पर ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। स्किल इंडिया के बारे में अगर बात करें, तो आप लोगों को बताना है कब तक 300 मिलियन को स्किल्ड करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में। आइए इसी बहाने से थोड़ा सा रिवीजन भी अब कर लेते हैं, जो लास्ट लेक्चर था उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कैप्टन के बारे में, तो आप लोगों को इनका नाम बताना है यहां पर क्या था, जो कि आर्मी डे परेड में फर्स्ट फीमेल पर्सन थी। मिनिस्ट्री ऑफ जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बात करते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता चली गई होगी, हालांकि अब की बार यहां पर कोई हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट नहीं होगा जो यहां पर परेड होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कौन आ रहे थे जिनके द्वारा मना किया गया, तो बोरिस जॉनसन साहब आ रहे थे, तो यूके में जो भी COVID-19 की प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, किसके साथ मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं। जंस्कर जो विंटर स्पोर्ट यूथ फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो ये किसके अंडर मिलकर काम किया जा रहा है, और यहां पर किसके साथ मिलकर काम चल रहा है डिपार्टमेंट भी आप लोगों को बताना है।
और नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में बात की थी, तो 2023 में यहां पर ये होने वाला है 13 जनवरी से लेकर 29 तक, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कहां पर होगा, अमेजन गूगल और एप्पल के द्वारा किसको अभी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर बात करते हैं, मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ इंडियन जूज, ठीक है। तो डिस्कस किया था मैंने, एमएसएमई के बारे में बात की थी, तो यहां पर ये इसके द्वारा नया पेंट अभी यहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था ये पेंट जो है उसके बारे में क्या क्या फायदा है, ठीक है, काउ डंग से जो बनाया जा रहा है बेसिकली। तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है एक वैली के बारे में, आप लोगों को बताना है इसका नाम क्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आइस जो क्लाइंबिंग फेस्टिवल है, सियोक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बताना था। तो क्या थे यहां पर, तो यहां पर नाम है इनका, ये है कैप्टन तानिया शेरगिल, ठीक है। तो नाम याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न जो डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉपरेशन उसके साथ में मिलकर डोनर जो मिनिस्ट्री काम कर रही है। इसी के साथ में बात करें तो ये लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट खेलो इंडिया गेम के साथ में मिलकर यहां पर जंस्कर विंटर स्पोर्ट ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी के साथ में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो वर्ल्ड कप 2023 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पार्लर करके अमेजन गूगल और एप्पल के द्वारा सस्पेंड किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे मैक्सिमम यहां पर। यूनियन एनवायरमेंट जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां पर MEEZOO के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये कब एस्टेब्लिश किया गया था आप लोग बताइए जरा डिटेल में, मैंने डिस्कस किया था। नुब्रा वैली है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, और इंडस रिवर है जिसके बारे में आप लोग याद रखना, सियोक रिवर जिसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये था आज का डिस्कशन, तो कैसा रहा डिस्कशन आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए, लाइक या डिसलाइक का बटन दबाकर आप लोग अपनी अटेंडेंस भी दे सकते हैं, जोन से नंबर पर लाइक करें वही आप लोग अटेंडेंस अपनी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, आंसर दिया कीजिए, और मेरे साथ यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाइए जो 4 बजे उठना चाहते हैं, तो दम देखना चाहता हूं 4 बजे वालों में जो जोर लगा रहे थे ना, तो 4 बजे जरूर उठेगा, ठीक है। बाकी जो उठ रहा है वो तो उठता रहिए, बाकी जिसको जल्दी उठना है वो मेरे साथ जरूर उठिए मॉर्निंग में, तो अच्छा लगता है यार। देखो काफी अच्छा लगता है जब आप लोग भी एक तरीके से जो बोलते हो ना फिर उसको करते हो तो अच्छा लगता है, पर जो बोलते नहीं हो फिर मतलब बोल देते हो करते नहीं हो उसे थोड़ा लगता है कि यार क्यों फालतू में मैं अकेला परेशान हूं, ठीक है, तो वाली फीलिंग आती है। ओके तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।